नमस्कार, मैं रोज। बहुत रस कर लिया सभी ने। चलिए अब पढ़ाई करते हैं और खुद को परखते हैं कि क्या हमने परमेश्वर के विश्राम में कदम रखा है या नहीं। और वैसे ये परमेश्वर का विश्राम का दिन होता क्या है और क्यों ये इतना बड़ा प्रॉमिस है। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है इब्रानियों के इस बाइबल स्टडी को आपको बीच में रोकने का मन करे। चलो बाद में कर लेंगे, फिर कभी पढ़ लेंगे, ऐसे बुरे बुरे ख्याल आए तो अपने मन से कहो नहीं, इस बार तो मैं इसे पढ़कर ही रहूंगा या रहूंगी। अपने स्कूल डेज को याद करो और अच्छे बच्चों की तरह चलो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तब हमने कितने सारे बुक्स पढ़े थे, हर एक क्लास में अलग अलग बुक्स, मगर अब हम सभी सिर्फ एक ही बुक पढ़ रहे हैं। चाहे आप किसी भी एज के क्यों ना हो, कोई से भी क्लास में क्यों ना हो, बचपन से लेकर अब तक एक ही बाइबल पढ़ रहे हैं। वो भी समझ नहीं पाए तो हम लोग एक्चुअल में क्या ही कर रहे हैं, है ना। तो चलो बस अब की बार आलसी मन की आवाज मत सुनना, ओके। चलिए शुरू करते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 4। ये चैप्टर एक वार्निंग, एक चेतावनी के साथ शुरू होता है। ये कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का वार्निंग नहीं है, एक ऐसी कोई बात जिससे हमें डरना चाहिए। वार्निंग क्या है कि कहीं हम परमेश्वर के विश्राम से वंचित ना हो जाए। परमेश्वर का विश्राम का दिन कब है, इसे जानने के लिए हमें उत्पत्ति के अध्याय 1 में जाना होगा। वहां आप 6 बार एक ही वचन को दोहराते हुए देख पाएंगे, सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिन हो गया और अध्याय 1 वहां खत्म होता है। अब उत्पत्ति दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 3 तक के आयत को पढ़ते हैं। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम किया। अच्छा ये बताइए कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, 7वां दिन हो गया, कौन से वचन में लिखा है, बताओ। बस ज्यादा मत ढूंढो, कहीं नहीं लिखा है। मैंने इसी टॉपिक पर बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिन्होंने उस वीडियो को देखा है वो लोग फिर से कुछ बातों को रिवीजन कर लें। वैसे भी कौन सा सुना हुआ हर वचन आप लोगों को याद है, सच कहा ना मैंने। हाँ तो फिर अगर 7वें दिन के बारे में सांझ हुई फिर भोर हुआ 7वां दिन हो गया ऐसा नहीं लिखा है तो क्या 7वां दिन खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है? इसका जवाब आपको इब्रानियों के अध्याय 4 में मिलेगा। चलिए 4 का पहला आयत पढ़ते हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में, ये विश्राम क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, मतलब अभी भी शेष है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। जब हम पहली बार सुनते हैं तो हमको लगता है मानो गॉड का रेस्ट का मतलब है अनंत जीवन, रेस्ट इन पीस वाला, वो भाई या वो बहन मर चुके हैं, परमेश्वर के साथ रेस्ट में चले गए, है ना। क्या सच में ये वैसा है? आगे पढ़ते हैं। क्योंकि हमें उन्हीं के समान, किनके समान, हमने 3रे अध्याय में पढ़ा था, इज़राइल के लोग जो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए उन्हीं के समान, क्योंकि हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया है, मतलब उन्होंने भी सुना कि तुम्हें परमेश्वर रेस्ट देगा, हमने भी सुना, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हम कितने भी वचनों को सुन ले, प्रीचिंग को अप्रिशिएट भी कर ले, वाह क्या प्रीचिंग था ऐसा भी बोल ले, मगर जब तक वचन हमारे अंदर विश्वास नहीं पैदा कर रहा है तो उस वचन का कोई अर्थ नहीं हुआ। आगे पढ़ती हूँ वचन 3। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो ये विश्राम क्या है, आगे देखते हैं। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, तो मतलब उत्पत्ति के सारे काम खत्म होने के बाद परमेश्वर अपने रेस्ट में चले गए और इंसानों से यही चाहा कि वो लोग परमेश्वर के रेस्ट में आ जाए और उसमें बने रहे, मगर पाप करने की वजह से इंसान उस रेस्ट में प्रवेश नहीं कर पाया और परमेश्वर ने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। सृष्टि के बाद, सभी काम के बाद उन्होंने रेस्ट किया, ये नहीं बस बहुत काम कर लिया मैं जाकर सोता हूँ, ऐसा वाला रेस्ट हम लोग ही करते हैं। परमेश्वर का विश्राम लेने का मतलब है कि अब सृष्टि का सारा काम खत्म, और काम खत्म कर गॉड चाहते थे कि अब इंसान उनके साथ आए, उनके पास उस रेस्ट में आए, मगर इंसानों ने कहा नो वेज,
मैंने स्वतंत्र होने का डिसीजन ले लिया है, फल खाकर अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। तो गॉड ने कहा, अच्छा ठीक है, तू 6 दिन जो चाहे कर, मगर 7वां दिन तू मेरे पास बैठ। ऐसे आया पुराने नियम का शब्द। शब्द एक्चुअल में गॉड का इंसानों के प्रति प्यार दिखाता है। गॉड इंसान के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उन्हें वो पसंद है। इमैनुएल, गॉड इज विद अस, पता है ना। मगर क्या करें, हम 1 घंटे से ज्यादा गॉड के साथ नहीं बैठ पाते हैं। 2-3 घंटे तक तो ऐसे वैसे पकड़ कर रख भी ले, मगर फिर बस हमको लगता है बस अब जरा आराम कर लूं। गॉड ने हमसे जितना प्यार किया उतना हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं ऐसा कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। तो कौन सा विश्राम है ये? 7वें दिन का विश्राम। वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अब तक है। 5 से 7 तक पढ़ते हैं, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और इसराइलियों को जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। मतलब परमेश्वर के विश्राम, उनके शब्द में प्रवेश करने का दिन आज है। लोगों को कंफ्यूजन होता है शब्द का दिन सैटरडे है या संडे। शब्द का दिन आज है। अगर आप कल ये वचन पढ़ रहे हो तो कल का दिन है। नए नियम का शब्द 1 दिन का नहीं, ये तो 24/7 का है, फुल टाइम गॉड के रेस्ट में रहने का है। दुनिया इधर से उधर हिल रही है, मगर हम गॉड के रेस्ट में। कोरोना, लोग मर रहे हैं, हम गॉड के रेस्ट में। कल क्या होगा पता नहीं, पॉकेट खाली हो चुका है, मगर फिर भी हम रेस्ट में हैं। अपने परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मगर हम तो परमेश्वर के रेस्ट में हैं। गॉड के साथ का ये रेस्ट ही है दोस्तों पवित्रीकरण की पहली निशानी। क्यों पहली निशानी? क्योंकि बाइबल में पहली बार पवित्रीकरण उत्पत्ति में ही है, उत्पत्ति 2:3, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। गॉड के साथ हमारा रेस्ट। पैसा नहीं है, नो वरीज, गॉड साथ है। शत्रु बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, गॉड साथ है। परमेश्वर के साथ हम पीस में हैं। ये पीस पवित्रीकरण का सबसे पहला निशानी है। हमारे चारों ओर के हालात हमारे और गॉड के बीच के पीस को खत्म नहीं करेगा। इस पीस को प्राप्त करने वाले लोग मौत के सामने भी हंसते खड़े हो जाते हैं, और ये रेस्ट हमारा प्रॉमिस है। पर इस रेस्ट में विश्वास के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते। कई बार मैं भी उस पीस में नहीं आ पाती, कभी हालात मुझे कुछ समय के लिए अस्वस्थ कर देता है, मगर वचन कहता है उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रॉमिस हमारे सामने है। तो गॉड ने आज का दिन हमारे लिए हटा कर रखा है। अगर ये आज चला गया तो कल है क्या? नहीं पता नहीं। आगे पढ़ते हैं 8वां आयत, और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। मतलब मरने के बाद का विश्राम नहीं है ये, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मैंने आपको 3rd chapter के वीडियो में बताया था कि मूसा परमेश्वर के रेस्ट में प्रवेश कर पाए थे। फिर मूसा को पनिशमेंट क्यों मिला? वो पनिशमेंट लोगों को चेतावनी के तौर पे दी गई थी। मूसा के द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी थी। मूसा अब बूढ़े हो चुके थे, अब नेक्स्ट लीडर एक योद्धा होना था जो अब युद्ध करके करवा कर एक एक राज्य हड़पे। मूसा का जॉब खत्म हो चुका था, अब एक नए लीडर की जरूरत थी, यंग बंदे जोशुआ की। मूसा के मिनिस्ट्री का मकसद पूरा हो चुका था, और मूसा की गलती को लोगों के सामने चेतावनी का कारण दर्शा, गॉड ने मूसा की स्टोरी को खत्म कर दिया। खुद गॉड ने मूसा के शव को दफनाया। व्यवस्था विवरण 34:5-6, Deuteronomy 34:5-6। यो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के सेवक मूसा की मृत्यु वहां मोआब देश में हुई। प्रभु ने बेत पओर के सम्मुख मोआब देश की घाटी में मूसा को गाड़ दिया, परंतु आज तक कोई व्यक्ति नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। देखा, इतना बड़ा सम्मान भला किसे मिला?
ठीक ऐसे ही जीसस की मिनिस्ट्री के शुरू होते ही जॉन द बैप्टिस्ट का मिनिस्ट्री खत्म हुआ। जॉन का कॉलिंग बस उतना ही था कि यीशु के लिए राह तैयार करे। चलिए वचन में वापस आते हैं। यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, मतलब यहोशू के टाइम में उन्होंने कनान में पैर रखा, एक एक राज्य को युद्ध करके जीता, सारे शत्रु तो नहीं खत्म हुए मगर फिर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके। सच कहें तो अब वो लोग रेस्ट में आ चुके, मगर वचन कहता है अगर वो रेस्ट है तो उसके बाद एक दूसरे दिन एक दूसरे रेस्ट की चर्चा नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितना खूबसूरत बात है ना, हमारे पास आज का दिन है परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए। चाहे आप कौन कौन से परेशानी से जूझ रहे हो, मगर फिर भी आपके पास विश्राम का वो प्रॉमिस आज आपके सामने है। अगर हमारा दिल कठोर है तो हम उस प्रॉमिस में नहीं आ सकते, मगर अगर हमारा दिल टूटा हुआ है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम जरूर आ सकते हैं। आगे पढ़ती हूँ 9-11। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्बत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उनके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हमारे अंदर जो वचन को ओबे ना करने की टेंडेंसी होती है, जो अविश्वास होता है, जो पाप होता है, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, हम गाली गलौज में उतर आते हैं, सब का कारण हमारे अंदर परमेश्वर का वो पीस अभी तक नहीं आया। इसलिए ये प्रॉमिस हमारे सामने है, आ जाओ उनके विश्राम में। देखा नहीं है कुछ लोग कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो जाए तो भी बड़े खुश रहते हैं। हम उनको देखेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, मगर वो प्रभु में बड़े प्यारी तरीके से रेस्ट करते हैं, अक्सर मुस्कुराते रहते हैं। ये रेस्ट आपको तब मिलता है जब आप अपने आप को गॉड के सामने पूरी तरीके से खोल कर रख देते हो। आगे पढ़ते हैं 12-12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मतलब ये है परमेश्वर का वचन हमारे अंदर सर्जरी करता है और प्राण और आत्मा को अलग अलग कर देता है, हमारे अंदर छुपे हर एक इमोशंस को देखता है। इसे हम अगले चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। 13-13। और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिसे हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से आपको उत्पत्ति में लेकर चलती हूँ। आदम और हव्वा के पाप करने के बाद सबसे पहले इमोशन में क्या आया पता है? लज्जा, शर्म। उनको अपने नग्न होने का बोध हुआ तो उन लोगों ने अंजीर के पत्तों से कपड़े सिल अपनी नग्नता को छुपा दिया। तभी वहां गॉड आए तो वो लोग पेड़ के पीछे छिप गए। अंजीर के पत्तों से सिला कपड़ा पहनकर ही वो लोग बोल रहे हैं कि हम नग्न हैं। ये एक पाठ है हमारे लिए, हमारे द्वारा रिलीजियस होने के लिए किया जाने वाला हर एक काम इस अंजीर के पत्तों के समान ही तो है। वो सिर्फ इंसानों के सामने हमारे नंगेपन को ढक पाता है। आप जरा 3-4 घंटे प्रे कर लो, इतने दिन प्रेयर ना करने का नग्नता ढक गया। एक भाई को देखकर हंसते हुए प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बोलो, इस एक्शन के पीछे अंदर छुपा कड़वाहट ढक गया। कभी कभी घर में कोई गेस्ट आते हैं, जब वो जाने को निकलते तब हम कहते खा कर जाइएगा ना, कहां घर में कुछ अच्छा परोसने के लिए उस समय बना नहीं है। हमको पता है कि वो बंदा खाने के लिए नहीं रुकेगा, ये तो बस हमारे अंजीर के पत्ते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अतिथि संस्कार का क्लास अच्छे से पास कर चुके हैं। हमको पता है कि कब कौन से टाइम में इस अंजीर के पत्तों के पीछे छुपना है। इंसानों के सामने हम बड़े ही योग्य, बड़े ही सभ्य, कितने ही हम्बल क्यों ना दिखे, मगर गॉड के सामने खड़े होकर रोज जब वो बुलाएंगे तो इन अंजीर के पत्तों को हटा मैं चीखती हुई भागूंगी, क्योंकि वो इन अंजीर के पत्तों के पीछे छुपे मेरे हर एक प्रवृत्तियों को जानता है। वो हमारे अंदर की इमोशंस को, हृदय के विचारों को तक जानते हैं। ओ, ये मेहमान जल्दी चले जाते तो, ये बोलता मेरे हृदय को गॉड ने देखा, कितना घमंडी है ना ये इंसान, मन में बोलकर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जब हमने बोला तो अंदर छुपे उस इमोशन को देखा गॉड ने। मगर जब मैं गॉड के सामने खड़ी होंगी तो ये ओरिजिनल मैं खड़ी रहूंगी, वहां क्या करेंगे हम। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने आप को अच्छे से अंजीर के पत्तों के पीछे छुपाना सीख जाते हैं, है ना।
मगर बूढ़े होते होते फिर ये पत्ते हम जहाँ सोचते हैं वहाँ रुकते नहीं है। तब जो अंदर होता है वो बाहर आने लगता है। देखा होगा ना आपने, बहुत ही बूढ़े लोग, दादा दादी, नाना नानी, वो लोग ये वो सब बोलते हैं और बच्चे बोलते हैं नानी चुप रहो ना, क्योंकि उनको उस एज में आते तक अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढकना नहीं हो पाता है। दोस्तों जल्दी जल्दी अपने इन अंजीरों को बाहर फेंको, क्योंकि न्याय के दिन अंजीर के पीछे छुपी प्रवृत्तियां एक एक करके बात करेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा कंडीशन ऐसा है तो फिर हमारा विश्वास क्यों नहीं जा रहा है? क्यों फिर भी हमको एक धैर्य है, आशा है? हमारे सेल्वेशन का धैर्य हमें क्यों है? इसका कारण आप अगले आयत में पढ़ेंगे, 14 पढ़ते हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। स्वर्ग से आया हुआ और स्वर्ग में वापस गया हुआ एक महापुरोहित महायाजक है, क्योंकि वो महायाजक ऐसे हैं जो मुझे पूरी तरीके से जानते हैं और उन्हें मुझ पर दया भी आती है। 15 आयत, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सच कहूं तो ये ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके हिसाब से कुछ ऐसा हो जाएगा कि पाप तो शायद उनके अंदर है या नहीं पता नहीं, मगर बाहर से वो निष्पाप निकला। इसका असली मतलब समझना है तो NKJV या KJV वर्शन पढ़ें। But was in all points tempted as we are, yet without sin. सब बातों में परखा गया मगर पाप के बिना, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। यीशु मसीह के अंदर पाप का अंश तक नहीं था। वो ऐसे नहीं थे कि अपने अंदर के पाप से लड़ रहे थे कि करूं कि नहीं करूं और लास्ट में डिसाइड किया कि पाप ना करूं। उनमें पाप नहीं था क्योंकि वो गॉड है। फिर हम पूछेंगे तो फिर हम उनको कैसे अपने सामने उदाहरण के रूप में ले सकते हैं? वो तो गॉड थे, हम तो इंसान है। सही सवाल है। जीसस परखे गए, निष्पाप होकर जिए, इस बात पर वो हमारे सामने रखा उदाहरण नहीं है। यहाँ इस पॉइंट पे तो वो हमारे सेवियर है। उदाहरण तो उनका स्वभाव है, उनके जैसा प्यार, उनके जैसा माफ करना, कष्ट को सहने का उनका मनोभाव, ये सब है जो हमको एग्जाम्पल के रूप में लेना है। आखिरी वचन पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमें वो अनुग्रह मिलता है कि हम पाप ना करें, तो परमेश्वर पिता के साथ हमारा पीस एक मीडिएटर के द्वारा हमें मिलता है, वो है यीशु मसीह। जिसने हम में अच्छा काम शुरू किया है वही उसे पूरा भी करेगा, यही हमारा साहस है। तो ऐसे यहाँ 4th चैप्टर खत्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बाइबल स्टडी आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के और करीब लेकर आए और परमेश्वर के विश्राम में स्थिर रहने में मदद करे। आप लोगों के मैसेजेस का मैं वेट कर रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि वाह रोज क्या नॉलेज है तुम्हें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी इन वचनों को यहाँ वहां से समझा, पढ़ा, सुना, ताकि मैं अच्छे से इसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाऊं, ताकि आप लोगों को और मुझे भी इससे फायदा हो। मैं पहले से ही बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ। जो भी मैंने सीखा है, वो चाहे मेरे पर्सनल बाइबल स्टडी से हो या किसी टीचर से या बुक से या फिर प्रीचर से, सब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि हम सभी साथ में वचन में बढ़ पाए, ताकि जब यीशु मसीह हमें बुलाने आए तो हम सभी आसमानों में मिल पाए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी हम लोगों के साथ जुड़ पाए। चले फिर आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।